देखिए वो पेन देना, पेन देना, पेन देना, यहाँ है, यहाँ लिख दे रहे हैं 4 ml पिलाइएगा, 4 ml समझ लेना, 4 साथियों नमस्कार, मैं हूं नीरज पटेल और आप देख रहे हैं नेशनल जनमत। पानी में आधे पैर डुबोए हुए बच्चों का मुफ्त में इलाज करते हुए इस शख्स को आप पहचान रहे हैं या भूल गए हैं? क्योंकि तानाशाही सरकारों को पता है कि इस देश के लोगों को भूलने की बहुत बीमारी है, इसलिए वो भी ऐसे लोगों को जेल में डाल करके भूल जाती है। ये शख्स अकेले इस वीडियो में नहीं दिखाई दे रहा है, ये शख्स वही है जब गोरखपुर के BRD मेडिकल कॉलेज में 60 से ज़्यादा बच्चों की मौत होने की खबर सामने आई थी। उस समय मीडिया में दबी जुबानी ये भी खबरें प्रसारित हुई थी कि वहाँ एक बाल रोग विशेषज्ञ डॉक्टर थे, डॉक्टर कफील खान, जो अपने पैसे से, अपने व्यवहार से बाहर से सिलेंडर मंगा करके किसी तरीके से इन बच्चों की जान बचाने की कोशिश कर रहे थे। यही डॉक्टर कफील खान उस समय भी चर्चा में आए थे जब बिहार में चमकी नामक एक बुखार सामने आया था। उस समय में भी ये अपनी सेवाएं देने बिहार पहुंच गए थे। अब सवाल ये है कि आप लोगों के भूलने की वजह से आज ये डॉक्टर कहाँ हैं? तो एक वीडियो देखिए और देखिए कि एक बाल रोग विशेषज्ञ थे, इस देश की पुलिस इस तरीके से बर्ताव कर रही है जैसे वो कोई आतंकवादी या मानव बम हो। देखिए वीडियो। मुझे फंसाया जा रहा है एकदम सुंदर आपकी सेहत भी खराब है, जी हाँ, ये वही बाल रोग विशेषज्ञ डॉक्टर कफील खान हैं जो इस समय मथुरा की जेल में बंद हैं। इनके ऊपर इस बार ये आरोप लगाए गए कि CA के मामले में अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी डॉक्टर योगेंद्र के साथ जब ये गए थे तो इन्होंने वहाँ भड़काऊ भाषण दिए थे। जो FIR इनके खिलाफ दर्ज कराई गई अलीगढ़ में, उसमें आरोप ये लगाए गए कि इन्होंने जो बयान दिया, मोटा भाई सबको हिंदू या मुस्लिम बनना सिखा रहे हैं लेकिन इंसान बनना नहीं। उन्होंने आगे कहा कि जब से RSS का अस्तित्व आया है सामने, उन्हें संविधान पर भरोसा नहीं रह गया है। खान ने कहा कि CA मुस्लिमों को सेकेंड क्लास सिटीजन बनाता है और NRC लागू होने के साथ ही लोगों को परेशान किया जाएगा। इस बयान देने के बाद इनके ऊपर IPC की धारा 153A के तहत सिविल लाइंस थाने में FIR दर्ज करवाई गई और इनकी गिरफ्तारी की जिम्मेदारी दी गई उत्तर प्रदेश STF को, मानो ये कोई बहुत बड़े आतंकवादी हों। STF ने भी सक्रियता दिखाते हुए मुंबई से इनको 23 जनवरी को गिरफ्तार किया, उसके बाद अलीगढ़ लाए। अलीगढ़ लाने के बाद इनको मथुरा जेल शिफ्ट कर दिया गया। फरवरी से लेकर अभी तक तकरीबन 5 महीने से ऊपर बीत चुके हैं, ये अभी भी मथुरा जेल में बंद हैं। इसलिए क्योंकि इनके ऊपर पहले जो धाराएं लगाई गई थीं उन धाराओं के आधार पर CGM कोर्ट इनको 10 फरवरी को बकायदा जमानत भी दे दी थी, लेकिन 3 दिन तक इनकी जेल प्रशासन ने रिहाई नहीं करी। इन्हीं 3 दिन के अंदर इनके ऊपर रासुका लगा दिया जाता है और कहा जाता है कि देश की सुरक्षा के लिए खतरा है। रासुका का एक नियम यह है कि 1 साल तक सरकार चाहे तो किसी को जेल में बंद करके रख सकती है, लेकिन उसमें भी एक क्लॉज ये है कि 3 महीने में एक राज्य स्तरीय कमेटी को ये बताना होगा कि इनके ऊपर जो रासुका लगाई गई है वो ठीक है या नहीं। लेकिन ये कमेटी वैसा ही फैसला लेती है जैसी सरकार चाहती है। तो इस कमेटी ने फैसला लिया कि इनके ऊपर रासुका ठीक लगाई गई है, उस रासुका के हिसाब से भी 12 मई को इनको जमानत मिल जानी चाहिए, लेकिन सरकार ने 3 महीने के लिए इनकी रासुका की अवधि फिर से बढ़ा दी और फिलहाल ये 12 अगस्त तक के लिए जेल में रहेंगे। यानी कि सरकार चाहती है कि डॉक्टर कफील जेल से बाहर ना आ पाएं, तो ये बाहर फिलहाल नहीं आ पाएंगे और इनकी रासुका की अवधि 12 अगस्त तक बढ़ा दी गई है। इसी बीच में इनके एडवोकेट इरफान गाजी ने बताया कि 15 जुलाई यानी कि आज ही डेट है और इस मामले में सुनवाई होगी
कि इनके ऊपर जो रासुका में इनको निरुद्ध किया गया है वो ठीक है या नहीं। बहरहाल डॉक्टर कफील एक उदाहरण है इस बात का कि सरकार जिसको भी चाहे उसको रासुका में निरुद्ध कर सकती है और उसको जेल के बाहर नहीं आने देगी। जिस तरह का बर्ताव मीडिया के सामने डॉक्टर कफील से किया जा रहा है, पुलिस वाला उनको मीडिया से बात तक नहीं करने दे रहा है, ये इस बात का उदाहरण है कि सरकार अपने खिलाफ उठने वाली आवाज़ों को पूरी तरीके से नेस्तानाबूद करना जानती है। डॉक्टर कफील के बारे में आपको कुछ पहले से भी याद दिला देता हूँ। 10 अगस्त 2017 को घटना घटती है गोरखपुर के वीआरडी मेडिकल कॉलेज में। चूंकि 70 से ज़्यादा बच्चों की मौत हो जाती है, इसलिए घटना राष्ट्रीय लेवल पर चर्चा में आती है। सरकार को तकलीफ भी होती है कि डॉक्टर कफील को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के क्षेत्र में हीरो कैसे बनाया जा रहा है। इसके बाद 2 सितंबर 2017 को इनको जेल भेज दिया जाता है। 25 अप्रैल 2018 को, यानी कि तकरीबन 8 महीने जेल में रहने के बाद, इनको जमानत नसीब होती है। इस पीरियड के दौरान ये सस्पेंड भी रहते हैं। इसी दौरान प्रमुख सचिव स्तर के एक अधिकारी हिमांशु कुमार को जांच सौंपी जाती है। मैं यहाँ पर धन्यवाद देना चाहता हूँ हिमांशु कुमार जैसे ऑफिसर को कि इस तरह की सरकारों के होने के बाद भी उन्होंने निष्पक्ष जांच की। 18 अप्रैल को अपनी जांच रिपोर्ट शासन को सौंप दी, लेकिन 26 सितंबर को वो जांच रिपोर्ट डॉक्टर कफील को दी जाती है। सोचिए, अप्रैल में जांच रिपोर्ट आने के बाद भी सितंबर तक उसको दबा के रखा जाता है। हिमांशु कुमार की जांच के अनुसार कि जो आरोप लगाए जा रहे हैं डॉक्टर कफील के ऊपर वो बेबुनियाद और निराधार हैं। उस समय डॉक्टर कफील इंसेफ्लाइटिस वार्ड के नोडल मेडिकल ऑफिसर नहीं थे। इसके अलावा लापरवाही के जो आरोप उनके ऊपर लगाए गए वो भी मिथ्या साबित हुए। बल्कि हिमांशु कुमार जी की जांच रिपोर्ट में ये भी बात सामने आया कि डॉक्टर कफील उस समय जो कर सकते थे उस रात में, उन्होंने व्यक्तिगत संबंधों का उपयोग करके उस रात ऑक्सीजन के सिलेंडर बाहर से भी मंगवाए थे। इस जांच रिपोर्ट के सामने आने के बाद डॉक्टर कफील का निलंबन समाप्त हो जाना चाहिए था, लेकिन नहीं किया गया। इस बीच में डॉक्टर कफील लगातार आरोप लगाते रहे कि उस रात में बच्चों की मौत के जो असली गुनहगार हैं उनको बचाने की कोशिश की जा रही है। इसलिए क्योंकि जब पहले से पता था कि ऑक्सीजन की कमी हो रही है, तो जो संस्था ऑक्सीजन की सप्लाई करती थी उसको भुगतान क्यों नहीं किया जा रहा था। उस संस्था के ऊपर, जिन लोगों ने भुगतान नहीं किया उनके ऊपर, स्वास्थ्य मंत्री को भी, इसके अलावा प्रमुख सचिव स्वास्थ्य को भी बार बार सूचनाएं देने के बाद भी भुगतान क्यों नहीं करवाया जा रहा था, इन सभी बड़ी मछलियों को क्यों बख्शा गया। डॉक्टर कफील इस तरह के आरोप लगा रहे थे। उसी दौरान CEA का प्रकरण आता है। दिसंबर के महीने में वो योगेंद्र यादव के साथ अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी पहुँचते हैं, इस तरह का बयान देते हैं। आरोप ये लगाया जाता है कि उन्होंने अमित शाह के ऊपर इस तरह के गंभीर वक्तव्य दिए हैं, जबकि उन्होंने मोटा भाई कहा था। अब मोटा भाई कह करके कोई अपने ऊपर उन सारे आरोपों को ले तो कोई क्या कर सकता है। पहले उनके ऊपर धारा 153A के तहत FIR दर्ज करवाई गई। बाद में लगा कि जब इनको जमानत मिल गई है तो लगातार उनको रासुका में निरुद्ध करके रखा गया है। लॉकडाउन पीरियड में भी जब 3 महीने की रासुका अवधि उनकी समाप्त हो रही थी, इसके बाद सरकार ने फिर से 3 महीने के लिए रासुका अवधि बढ़ाते हुए कहा कि ये व्यक्ति राष्ट्र की सुरक्षा के लिए खतरा है। सोचिए, जब सरकारें ही व्यक्तिगत तौर पर किसी से बदला लेने की भावना से काम करने लग जाएं, तो इस देश में लोकतंत्र की स्थिति क्या रह जाएगी। डॉक्टर कफील समय समय पर जो अपील करते रहे हैं आप लोगों से, वो आप भी सुनिए। डर सिर्फ इस बात का घर वालों को है कि कहीं पुलिस ले जाके इनकाउंटर में मार ना दें, या ये दिखा दे कि ये भाग रहे थे इनको गोली मार दी गई, या ये दिखा दे कि इन्होंने सुसाइड कर ली। तो इस लास्ट वीडियो से मैं एक बात ये जरूर कहना चाहूंगा कि मैं इतना बुजदिल नहीं हूं कि मैं सुसाइड करूंगा। I would never commit suicide, और ना ही मैं भागूंगा कि पुलिस मुझे मार दे। डर है कि कहीं पकड़ के मुझे मारने दे, बस इसीलिए। उनसे प्यार है, 1 साल की बच्ची है। 24 अगस्त को उसका बर्थडे था, मैं उसके साथ नहीं था, मुझे अफसोस जिंदगी भर रहेगा। मेरी भी फैमिली है, मेरी भी भाई बहन, सब मुझे बहुत प्यार करते हैं।
मैं भी उनसे बहुत प्यार करता हूँ। उनको ये डर है कि ये लोग ले जाके कहीं मुझे खत्म ना कर दें, बस और कोई डर नहीं है। वरना कोर्ट तो है ही, कोर्ट एक दिन जस्टिस दिलाएगी। जब भी इस तरह का कोई वीडियो मैं सामने लेकर के आता हूं तो मैं खुद सोच में पड़ जाता हूं कि किन किन घटनाओं पर आप लोगों से अपील करूं कि सोशल मीडिया पर कुछ लिख दीजिए, कोई विरोध दर्ज करा दीजिए, कहीं ज्ञापन दे दीजिए, जो भी संवैधानिक तरीका हो सकता है लोकतंत्र के हिसाब से आप उसका पालन करिए। इसलिए क्योंकि ये तानाशाही सरकारें लोकतंत्र का पालन करें या ना करें, लेकिन आपका करना मजबूरी है। आप जरा भी संवैधानिक प्रक्रिया से, लोकतंत्र से जरा भी अलग हटे, उठा करके इसी तरीके से आपको भी डॉक्टर कफील बना दिया जाएगा। फिर भी चंद मुट्ठी भर लोग ही हैं जो हर घटनाओं पर बोलते हैं। उन्हीं सारे लोगों से मैं अपील करता हूं कि सोशल मीडिया पर ही सही इस तरह की घटनाओं का पुरजोर तरीके से विरोध दर्ज कराइए, क्योंकि अगर यही स्थिति रही तो सरकार किसी को भी घर से उठा करके बंद कर देगी, उसके ऊपर रासुका के तहत कार्रवाई कर देगी। हम लोग सिर्फ देखते रह जाएंगे, ठीक ढंग से विरोध भी दर्ज नहीं करा पाएंगे। बार बार वही बात मुझे आप लोगों से गुजारिश करनी पड़ती है कि अपनी बारी आने का इंतजार कब तक करते रहोगे। देखते रहने संजन मत, जागरूक और सजग बने रहिए। साथ ही साथ आपकी जो भी क्षमता हो, लिख पढ़ करके, ज्ञापन दे करके, जो भी तरीका आपके पास हो, डॉक्टर कफील की इस असंवैधानिक गिरफ्तारी का, उनको जेल में ठूसे जाने का विरोध दर्ज कराइए। जय विज्ञान, जय संविधान, जय लोकतंत्र। धन्यवाद। तो अगर आपने मेरा YouTube चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और उस बेल आइकन पर जरूर क्लिक करें, जिससे जो मेरे न्यू वीडियो है।